क्या आप जानते हैं रेंट, फेयर और फ्रेट में क्या फर्क है, जबकि इन सभी का मतलब होता है किराया। तो फिर आप कैसे समझेंगे कब बोलना है रेंट, फेयर या फ्रेट? तो आइए फ्रेंड्स, इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। रेंट का मतलब होता है किराया, जो किसी जगह, मकान या दुकान के लिए होती है। यानी जब हम किसी जगह या दुकान या मकान के किराए की बात करें तो हमें कहना चाहिए रेंट। वही दूसरी तरफ हम फेयर का यूज ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं, और ये वर्ड इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब हम किसी ऑटो रिक्शा, बस, ट्रेन या जहाज से सफर करते हैं तो इसके किराए के लिए हम बोलते हैं फेयर। वही बात अगर हम फ्रेट की करें तो इस वर्ड का यूज भी हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं, लेकिन तब नहीं जब हम इंसानों की बात करें, बल्कि तब जब हम किसी सामान की बात करें। यानी जब ट्रांसपोर्ट से कोई सामान आता जाता है, जैसे बिजनेस का कोई सामान, या फिर कई बार जब आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो आप अपने घर के सभी सामानों को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ जब हम किराए की बात करेंगे तो हम बोलेंगे फ्रेट। लगता है आप समझे नहीं, आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तो जो हम किराया देते हैं वो है फेयर, लेकिन जब ट्रेन से हमारा सामान आता जाता है, यानी जब मालगाड़ी से हमारा सामान आता जाता है, तो उसके किराए को हम कहते हैं फ्रेट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात शानदार तरीके से समझ में आया कि किराए के लिए हम रेंट का इस्तेमाल तब करेंगे जब हम किसी जगह, मकान या दुकान की बात करें। किराए के लिए हम फेयर का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी ऑटो रिक्शा, कार, बस या ट्रेन की किराए की बात करते हैं। और वर्ड फ्रेट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब इन चीजों से हमारा सामान आता जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इन तीनों वर्ड्स को शानदार तरीके से सीखा तो क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रेंट, फेयर और फ्रेट का इस्तेमाल कब किया जाता है? आंसर जरूर दें, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए बाय।